दोस्तों ये एक बिल्डर फ्लोर है, 500 गज का बिल्डर फ्लोर है और ये वैल्यू फॉर मनी के लिए है। आप चाहे एंड यूजर के लिए देख सकते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दोनों पर्पज ये यहाँ पे आपके सूट होते हैं। ये पूरा एरिया 500 गज का है, आप देख रहे हो यहाँ ऑलरेडी फैमिलियर सेट हैं, रह रहे हैं और अच्छे लेवल पे रह रही है। दूसरी चीज है कि इसके अंदर एक ही फ्लोर है वो अभी बचा हुआ है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा इस बात के बारे में हम बाद में समझेंगे, हम जानते हैं इस एरिया की लोकेलिटी की हम कहाँ हैं। दोस्तों हम हैं सुशांत लोग बी ब्लॉक में और इसी मकान के जस्ट पीछे अगर आप देखोगे तो मैक्स हॉस्पिटल की दीवार लगती है, इसी के आगे मैक्स हॉस्पिटल की है जो वो सामने वो दीवार है। तो यहां से हॉस्पिटल बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल का एक जो बैक वाला जो गेट है वो इसी फ्लोर के दो तीन फ्लोर छोड़ के आगे से इसकी एंट्री होती है, तो मेडिकल सुविधा हमारे बिल्कुल नजदीक है। दूसरी है कि कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी मेट्रो आपका हुडा मेट्रो स्टेशन, दूसरा आपका इफको चौक, तो मेट्रो कनेक्टिविटी आसान है। अगर आपको किसी मेजर जगह पे जाना है, बाई कार आपको जाना है, तो आप यहाँ से चारों तरफ के एरिए, चाहे गोल्ड कोस्ट रोड हो, साइबर सिटी हो, NH8 हो या किसी दूसरे सेक्टर के अंदर जाना है, तो यहाँ से जो कनेक्टिविटी वो इजी है। बात करते हैं फिर आपके भाई इन्वायरमेंट की, तो इसी प्लॉट के जस्ट सामने आपका काफी बड़ा है वो पार्क, वो हम फ्लोर के ऊपर से देखेंगे, तो यहाँ पे पार्क की सुविधा है। स्कूल की बात करें, स्कूल यहाँ अच्छे खासे हैं, DPS है, स्कोटिस है और भी आपके सैलून है, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो प्रीमियम स्कूल्स आते हैं, तो इसके विद इन 1 किलोमीटर के अंदर काफी स्कूल यहाँ पे आ जाते हैं। की अगर बात करें तो मैक्स हॉस्पिटल बगल में है, दूसरा आपका फोर्टिस हॉस्पिटल बगल में है, तो दो हॉस्पिटल आपके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। दोस्तों हमने कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये हमने जो हमारे लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम, इन चीजों को समझ लिया। अब हम बात करेंगे इस फ्लोर की, ये दिखता कैसा है, क्यों हमें खरीदना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी, ये हम आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम इस फ्लोर की स्पेसिफिकेशन के बारे में हम समझ लेते हैं, इसकी एमिनिटीज समझ लेते हैं। तो हम इस फ्लोर के बारे में प्रॉपर तरीके से समझते हैं मिस्टर देव से, देव क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बारे में काफी अच्छी तरीके से समझते हैं। देव जी स्वागत है एक बार, आप हमारे दोस्तों को इस प्रॉपर्टी के बारे में बताएं कि ये क्यों बेटर रहेगी एंड यूजर के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप हमें प्रॉपर गाइड करें इस प्रॉपर्टी के बारे में, आपने क्या यूज किया है, किस तरीके से इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या यूज की गई है, वो सारी चीजें आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे सब्सक्राइबर को जरूर बताएं। तो पहली बात तो ये सुशांत लोक के एक बहुत प्राइम ब्लॉक के अंदर आता है, ब्लॉक बी है, यहाँ बहुत ही वेल कनेक्टेड है। पास में अगर देखें तो हमारा हुड्डा सिटी सेंटर आ जाता है, आसपास जो हमारे दो होटल आ जाते हैं। अब इस प्लॉट को देखा जाए तो 502 गज का प्लॉट है, 502 गज के प्लॉट के अंदर ईस्ट फेसिंग प्लॉट है ये, सामने 18 मीटर की रोड है और बिल्कुल सामने पार्क है, तो आपकी सनलाइट की यहाँ पे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब फ्लोर को देखा जाए तो बहुत ही बड़ा फ्लोर बनाया गया है, बहुत ही बड़े प्लॉट साइज के अंदर बनाया गया है, जिसमें लोगों के सर्वेंट रूम दिए गए पीछे की तरफ। यहाँ पे लगभग आपको 3 गाड़ियों की पार्किंग हर फ्लोर के साथ मिल जाती है और पीछे एक छोटा सा यूटिलिटी एरिया रह जाता है इनके अंदर। तो आप एक बार दिखाएंगे किस टाइप से क्या है, आइए कि पहले से आई थिंक यहाँ पे लोग रह रहे हैं, आई थिंक गाड़ियां जिस हिसाब से खड़ी है, तो यहाँ पे अगर हम आसपास की जेंट्री बहुत जरूरी हो जाती है हमारे साथ, तो इसमें पहली बात तो फोर्थ फ्लोर को देखते हैं, फोर्थ फ्लोर पे जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है वो ही रहते हैं टॉप फ्लोर के अंदर। तो एक इनके प्लॉट के ओनर होते थे और एक ने कोलैबोरेट करके टॉप फ्लोर बना के अपने पास रखा हुआ है। थर्ड फ्लोर पे यहाँ पे एक डॉक्टर रहते हैं, पीछे ही मैक्स हॉस्पिटल में काम करते हैं, और सेकंड फ्लोर पे एक आईटी पर्सन रहते हैं जो साइबर हब में काम करते हैं। तो आपके जो नेबर्स भी होते हैं उनकी जेंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल। अब इस तरफ अगर आके देखें तो इस तरफ यहाँ पे 4 सर्वेंट रूम बने हुए हैं, ये सर्वेंट रूम्स के लिए स्टोरेज दे रखी है अलग से, ये स्टोरेज पार्ट होता है, और पीछे यहाँ पे 4 सर्वेंट है, सबके अपने अपने सर्वेंट है, हमने उनके अटैच वॉशरूम है अंदर दे रखे हैं। आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमने एक फुल पावर बैकअप के लिए एक जेनसेट दे रखा है। ओके, फुल पावर बैकअप का भी ये भी सुविधा काफी अच्छी, क्योंकि ज्यादातर फ्लोरों में होती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारी जो पार्किंग है 3-3 गाड़ियों की पार्किंग, वो आगे तक आ जाती है, पीछे एक मल्टीपर्पज एरिया दे रखा है, तो कभी भी आप छोटी सी गैदरिंग करना चाहते हैं अपनी फैमिली की, वो नीचे की नीचे ही उनको एंटरटेन करके भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वो गैदरिंग। और फाइनली यहाँ पे अगर देखा जाए तो पीछे हमने एक वर्टिकल ग्रीन वॉल बना रखी है,
जो आपको पीछे पूरी 100% प्रिवेसी देती है। तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन भी रहेगी, साथ ही साथ आपकी प्रिवेसी भी मेंटेन रहेगी। और मेरे हिसाब से इसके जस्ट बैक साइड में ये मैक्स हॉस्पिटल करेगा है ना, करेगा। तो ये बिल्कुल आपके वॉकिंग है, और एक गेट आई थिंक ये बगल में ही भी है, तीन चार प्लॉट छोड़ के, तो बगल में ही दो प्लॉट छोड़ के इनका पीछे वाला गेट है। ऊपर जैसे मनाया मैं डॉक्टर साहब जो रहते हैं थर्ड फ्लोर के, वो यहीं पे ही काम करते हैं। ओके, बिल्कुल साथ में। सो नाइस, यस। तो पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा है। पार्किंग की यहाँ पे कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती है, सबकी डेडिकेटेड तीन तीन गाड़ियों के पार्किंग स्पेस है, जो कि आप देखेंगे यहाँ से शुरू हो जाता है इस लाइन से। इसके अलावा भी अगर पार्किंग करनी हो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में पीछे भी चार गाड़ियां पार्क करी जा सकती हैं, और बाहर 18 मीटर रोड है, पार्क है बिल्कुल ऑपोजिट, तो पार्क के आसपास भी अगर कभी भी आपकी फैमिली गैदरिंग होती है तो 10 से 12 गाड़ियों की पार्किंग आराम से बाहर अवेलेबल है। बिल्कुल, हाँ जी। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम डायरेक्टली फ्लैट की तरफ चलते हैं, आइए। बिल्कुल, अब सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जिसके अंदर हमने बाहर एक सिक्योरिटी गेट दे रखा है, वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठता है, वो हमेशा सिक्योर रहते हैं, 24/7 यहाँ अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा अंदर दो और गेट दिए गए हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। यहाँ से आपके जो अपने रेजिडेंट से आने जाने उनके लिए रास्ता है, और बाय चांस कभी भी सामान आता है तो यहाँ पे एक बड़ा गेट अवेलेबल है जो आपके सामान लाने के लिए उपलब्ध रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ये फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं, हमारा जो फ्लोर अवेलेबल है यहाँ पे, तो इसमें जो अवेलेबिलिटी है अपनी अपर ग्राउंड की, यानी पहले जो फ्लोर है, बाकी तीन फ्लोर ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। करेक्ट। तो ये बिल्डिंग के जो अपने बिल्डर थे वो टॉप फ्लोर पे रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो पहले से ऑक्युपाइड था, और सेकंड थर्ड यहाँ पे सेल आउट हो चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, आपका डोर सेट सिक्योर्ड है बाय डिजिटल लॉक सिस्टम। तो जब भी आप अपने डोर पे आते हैं, अपार्ट फ्रॉम की कोड, आप अपना थंबप्रिंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर चाबी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर की कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफी डिजिटल चीजें हैं, ज्यादातर हाउसों में ये टाइप की चीजें नहीं मिलती। तो अंदर आते ही सबसे पहले आप देखेंगे जो यहाँ पे मार्बल है वो एक चेकर्ड स्टाइल में लेआउट किया रखा है। जैसा कि हम चेस खेलते हैं, तो चेस में आप देखो ब्लैक और व्हाइट ब्लॉक लगाए जाते हैं, तो काफी इंस्पिरेशन मार्बल की वहां से ली गई है। तो अंदर जैसे ही एंटर करते हैं, आपका एक ग्रैंड डाइनिंग एरिया पे ओपन अप होता है। इस ग्रैंड डाइनिंग एरिया के अंदर आप लगभग 10 सीटर डाइनिंग टेबल लगा देते हैं। बिल्कुल, उसके बाद काफी अच्छा है इसमें, अगर आप चाहो और बीच में एक अच्छी खूबसूरत टेबल आपकी सेट है। साथ के साथ यहाँ पे एक प्रोफाइल वॉल दी गई है, पेंट कलर मर्ज तो हमारा करता है पेंट के साथ, बट ये प्रोफाइल वॉल है यहाँ पे। बिल्कुल। नेक्स्ट किचन की तरफ चलते हैं, किचन यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये लगभग 23 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा किचन है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत किचन है, विद वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर आइलैंड इन द सिटी इन द किचन। अगर हम अप्लायंसेस की बात करें तो यहाँ पे चिमनी और हॉब आपको प्रोवाइड करी गई है, एक डिजिटल चिमनी है इसके अंदर जो आपके गेस्चर के साथ कंट्रोल होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका ड्राई और वेट एरिया यहाँ पे बहुत ध्यान से अलग करा गया है, ये पूरा आपका ड्राई एरिया है किचन का। वेट किचन का एरिया यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, जो पीछे की तरफ वेट किचन है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखेंगे, हमने यहाँ पे हेटेक पे सॉफ्ट क्लोजर्स लगा रखे हैं, तो अगर आप कभी भी बंद करते हैं तो वो हमेशा सॉफ्ट क्लोज होता है। आगे भी देखेंगे तो लेटेस्ट हमने टेक्नोलॉजी का यूज करा है, जहां पे आपके स्टोरेज में हमने बहुत ध्यान दिया, अगर आपकी यही स्टोरेज बाहर की तरफ खुलती है तो आपका काफी स्पेस उसमें यूटिलाइज हो जाता है। ये पीछे की तरफ हमारी यूटिलिटी बालकनी है, जहां पे आपकी वॉशिंग मशीन आएगी और ड्राइंग एरिया आएगा। तो आप यहीं पे अपने कपड़े धोल के यहाँ पे ही आप सुखा सकते हैं। आगे की तरफ आते हैं तो आपको अपनी वर्टिकल ग्रीन वॉल यहाँ पे नजर आती है। ये बालकनी काफी अच्छी यूज की गई है, और काफी अच्छा डिजाइन आपने यहाँ पे रेडी किया गया है। तो सामने फेसिंग करते कोई ऐसा भी दिखाई नहीं देता भाई, एकदम ओल्ड मोड में होता है, यहाँ प्रॉपर आपने जो गार्डन है वो अच्छा क्रिएट किया है। के पीछे तो हॉस्पिटल की वैसे ही फेसिंग आ जाती है। करेक्ट। तो पीछे हॉस्पिटल की फेसिंग जो आ जाती है, उसको हमने प्राइवेसी दे रखी है, वर्टिकल गार्डन दे रखी है।
ओपन एरिया भी काफी अच्छा है और ऊपर की सिक्योरिटी भी काफी अच्छी लोगों की हुई है, मतलब सेफ है। ड्राई और वेट एरिया और यूटिलिटी बालकनी हम देखने के बाद हम एक और चीज देखते हैं कि किचन के अंदर भी एसी प्रोवाइड करा गया है, तो कभी भी गर्मी के टाइम पे आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं आप हमेशा कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि आपको एसी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। यहाँ पे अगर हम अपना लिविंग एरिया भी देखते हैं तो लगभग 30 फीट लंबा लिविंग एरिया है जिसको आप डिवाइड कर सकते हो छोटे से लाउंज में और एक अपने लिविंग एरिया में। हो सकता है किसी को पार्टी करने का शौक होता है वो अपना बार भी यहाँ पे क्रिएट कर सकता है और आगे की तरफ अपनी सेटिंग रख सकता है। स्मॉल पार्टी के लिए काफी अच्छा एरिया, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही। साथ में अगर देखा जाए तो जो ये एरिया आपने दिया हुआ है बैल्कनी का, यानी डेस्क बैल्कनी आपने यहाँ पे क्रिएट की गई है, करेक्ट। तो बेसिकली बिग बैल्कनी है, 8 फीट चौड़ी बैल्कनी है। यहाँ पे आप मॉर्निंग में या इवनिंग में यहाँ पे अपने टी या कॉफी को जब एंजॉय करेंगे सामने अनऑब्स्ट्रक्टेड पार्क का व्यू रहेगा, साथ के साथ नेचर के साथ वेल कनेक्टेड रहेंगे। ये सामने पार्क आ जाता है और बगल में ये स्कूल आ जाता है और ये आपका पूरा वॉल टू वॉल आपका 18 मीटर का रोड रहता है, तो यहाँ बिल्कुल साइलेंट एरिया है, इतना शोर शराबा नहीं है। बस एक साथ में अभी काम चल रहा है किसी प्लॉट के अंदर तो बस उसका शोर शराबा है, बाकी साइलेंट एरिया है क्योंकि सामने कोई मकान नहीं है। सुबह की धूप आती है तुरंत मकान में, सुबह की धूप आती है और फिर आपके दोपहर बाद की पीछे की साइड आती है। पूरा आपका एक पार्टी हॉल है, लिविंग एरिया जैसे आप मर्जी चाहे वैसे यूज करना चाहो वैसे कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर 2 एसी यहाँ पे प्रोवाइड है, प्रॉपर फॉल सीलिंग का काम यहाँ पे किया गया है। एक और चीज साथ के साथ देखी जाए तो यहाँ पे फिनिस्टा के डोर्स दिए गए हैं वुडन फिनिश के अंदर। फिनिस्टा हाई क्वालिटी अपना यूपीवीसी हमें प्रोवाइड करता है और उसको भी हमने वुडन फिनिश में दिया क्योंकि साउंड का बहुत मेजर, जैसे हम बाहर खड़े थे तो बहुत ज्यादा साउंड थी, अगर हमने अंदर एंटर किया तो यहाँ कोई साउंड का मतलब कोई किसी प्रकार कोई साउंड है नहीं। बिल्कुल करेक्ट, एक डबल ग्लेज ग्लास है जो आपकी सनलाइट और यूवी रेज को प्रोटेक्ट करते हैं अंदर आने से और साथ ही साथ साउंड प्रूफ रहते हैं, तो जैसे ये दरवाजा बंद हो जाता है तो बाहर की आवाज बाहर को ही सी हो जाती है। ओके, ये साथ में एक जाली डोर है, करेक्ट। हम चीज देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है जब भी आप घर लेते हैं वो रहती है स्टोरेज की, तो यहाँ पे आपको एक स्टोरेज भी प्रोवाइड करेगी आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आपका एक पूजा आ जाती है, एक डिसेंट पूजा साइज रूम है, काफी अच्छा आपने देखते हैं। अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज रहती है घर के अंदर कि आपके जब गेस्ट आए तो कौन सा वॉशरूम यूज करें, तो आपका ये पाउडर रूम यहाँ पे प्रोवाइड है, तो जब भी आपके गेस्ट आते हैं या फिर कोई डिलीवरी बॉय आता है तो उसको वॉशरूम अगर यूज करना हो वो यहाँ के यहाँ अपना टॉयलेट रूम यूज करके अपना बाहर की बाहर निकल सकते। बिल्कुल, अगर आगे आते हैं तो ये हमारा गेस्ट बेडरूम है। ओके, काफी बड़ा बेडरूम है। अब गेस्ट बेडरूम भी हम देखें तो इसका साइज काफी बड़ा है, तकरीबन 17.5 फीट लंबा गेस्ट बेडरूम है। हर एक बेडरूम में हमने अंदर ही वॉक इन क्लोजेट प्रोवाइड करा दिया है, तो आपका वॉक इन क्लोजेट रहता है जो कि आपका वॉशरूम में आगे की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे भी फ्लोरिंग की बात करें तो यहाँ पे भी हमने टाइल लगा रखे हैं इस वाले बेडरूम के अंदर जो कि आपको मार्बल का लुक देती है, और इसके साथ भी आपकी प्रॉपर जो रनिंग बालकनी है वो कंप्लीट यहाँ तक आती है। हाँ, तो लिविंग रूम और गेस्ट बेडरूम की बालकनी अटैच रहती है, साइड में जो मास्टर बेडरूम है उसमें हमने प्राइवेसी दे रखी है, बीच में एक वॉल आ जाती है, उनकी बालकनी सेपरेट रहती है। यहाँ पे हमने इसके अलावा एक बाहर की तरफ हमने एक ग्रिल का प्रोविजन कर रखा है, तो आपकी एसी की जो एक्सटर्नल यूनिट्स होती हैं वो हमेशा कवर्ड अप रहती हैं। यहाँ पे छोटी सी स्टोरेज है, आप अपना थोड़ा बहुत क्लीनिंग का जो सप्लाई होती है वो यहाँ पे रख सकते हो, यानी मकान का जो फैसाड का जो लुक है वो खराब नहीं होता, बाहर का लुक बिल्कुल हमने उसमें काफी एम्फोसाइज करा गया है। तो हर एरिए में आपको स्प्लिट एसी और बाथरूम्स ये प्रॉपर करेक्ट। आपने फैन भी काफी अच्छे यूज किए हुए, हैवेल्स ब्रांड के फैन यूज करे गए हैं, हिटाची ब्रांड के एसी इस्तेमाल है, एक्सटर्नल यूनिट्स अलोंग विद हिटाची की है, काफी प्रीमियम यूनिट्स यूज करी गई हैं, 4 स्टार इनकी रेटिंग आती है अगर आप चेक करेंगे तो ये काफी आपका इलेक्ट्रिसिटी एफिशियंट भी रहता है। साथ
ये शायद मास्टर बेडरूम। नेक्स्ट हम मास्टर बेडरूम में आ गए हैं। इसमें दो मास्टर बेडरूम का कॉन्सेप्ट है, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। आजकल फैमिली थोड़ी बड़ी होने लगी है, जैसे पेरेंट्स बच्चों के साथ रह रहे हो, उसके बाद किड्स हो, तो पेरेंट्स और सेकेंड जनरेशन, दो जनरेशन को मास्टर बेडरूम में आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पेपर है या ये वॉलपेपर हमने लगा दिया है, इस तरह प्रोफाइलिंग कर रखी है। ये रिमूवेबल है, इसके पीछे व्हाइट, मतलब आप लोगों ने कलर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन किया हुआ है कि जो ये वॉलपेपर है आपकी दीवारों में मैच हो, वो आंखों में चुभने वाला वॉलपेपर है नहीं। हाँ जी, वो कॉन्ट्रास्ट नहीं क्रिएट होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हम जमीन की तरफ अगर देखें, इस रूम के अंदर आजकल जो कॉन्सेप्ट चला हुआ है वुडन फ्लोरिंग का, तो लोग लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे रियल वुड फ्लोरिंग प्रोवाइड करेंगे। यानी ये आपका एक ऑफिस छोटा सा, अगर वर्क फ्रॉम होम है तो स्टडी या जो भी आप यूज कर रहे थे उसके लिए करेक्ट। ये प्रॉपर टीवी बोल हो गई आपकी? हाँ जी। और ये स्टोरेज मतलब काफी अच्छा लाजवाब, स्टोरेज की इस घर के अंदर कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ ये बालकनी अलग से है, मास्टर बेडरूम की एक अलग से प्राइवेट बालकनी प्रोवाइड कर रखी है, जो आपको प्रिवेसी देती है अपना लिविंग एरिया के बालकनी से और गेस्ट बेडरूम की बालकनी से। वॉक इन क्लोजेट, वाओ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है कभी, यानी ड्रेसिंग एरिया बिल्कुल ही अलग दे दिया। करेक्ट देव जी, ये मकान यूज या अनयूज है? बिल्कुल ये अनयूज मकान है बिल्कुल। ओके, तो इसमें बाथरूम भी काफी आपने काफी अच्छा बनाया है, काफी बड़ा बाथरूम है, काफी डिसेंट साइज का बाथरूम है। स्पेस की इस घर के अंदर कहीं पे भी कोई भी जगह मतलब डिफेंस नहीं छोड़ रही है। जैगवार की इसमें फिटिंग है प्रॉपर, जैगवार फिटिंग लगा रखी है, जैगवार की प्रॉपर मार्किंग है। हर जो भी आपने स्टेशन यूज की गई है वो काफी अच्छी प्रीमियम है। साथ ही साथ अगर आप मिरर भी देखेंगे तो मिरर इल्यूमिनेटेड है इसके अंदर, तो कभी भी आप यहाँ पे रेडी हो रहे हो तो आप अपना मिरर की लाइटिंग यूज कर ऑन कर सकते हैं एंड अपने आप इजीली यहाँ पे रेडी हो सकते हैं। काफी स्मार्ट है। क्या है डोर, मतलब वुडन किस उसके यूज किए गए आपने, सीसम या अदर लकड़ी जो भी? नहीं, ये अपने टीक डोर्स हैं जो कि हाईएस्ट क्वालिटी के डोर्स होते हैं, ऑलमोस्ट 1.5 इंचेस थिक, तो फायर प्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। बिल्कुल, छोटी छोटी लाइट है, काफी अट्रैक्टिव है। करेक्ट, प्रोफाइल लाइटिंग करा रखी है काफी अच्छी। नेक्स्ट आजकल जो लेटेस्ट चीज आ रखी है तो आपका वीडियो डोर फोन आ रखा है, तो यहाँ के अंदर आपको वीडियो डोर फोन प्रोवाइड करा गया है। ये मेन गेट का डोर है, वो ये मेन गेट का डोर है बेसिकली, तो कभी भी आपकी रिंग करती है बेल तो यहाँ पे इनकी इमेज आ जाती है, और आप अगर अलाउ करेंगे तो आप गेट ओपन का बटन दबा सकते हैं, वरना आप गेट क्लोज का बटन दबा। ये भी अच्छा। और दो बेडरूम इधर। हाँ जी, तो ये बेडरूम बेसिकली एक किड्स बेडरूम की तरह बनाया गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने वॉल की भी जो प्रोफाइलिंग है वो थोड़ी सी चेंज कर दी। बिल्कुल, अंदर वॉक इन क्लोजेट, हर एक रूम के अंदर आपको अपना प्राइवेट वॉक इन क्लोजेट मिलता है विद योर अटैच वॉशरूम। यानी ड्रेसिंग एरिया आपने बिल्कुल ही अलग दिया हुआ है हर बेडरूम का, हर बेडरूम से सब चीजें क्रिएट की गई है, काफी अच्छा डिजाइन आपने किया है। तो इसके साथ इधर ये इसकी बालकनियां आ गई थे। हाँ जी, जो हमने सबसे पहले देखी थी। करेक्ट, तो व्यू काफी अच्छा है, मतलब स्पेसियस है और प्राइवेसी काफी अच्छी, आपकी प्राइवेसी यहाँ पे बहुत मेंटेन रहती है, कभी भी वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आगे और पीछे दोनों की तरफ से एक तरीके से प्लॉट खुला है। ये अदर मास्टर बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम। ओके, तो अब इसके अंदर दो मास्टर बेडरूम में एक ऑपोजिट साइड है, एक उसी के बिल्कुल मिरर इमेज में दूसरी तरफ है। तो ये जो मास्टर बेडरूम है इसी के अंदर भी हमने एक्चुअल वुडन फ्लोरिंग दे रखी है, नॉट लैमिनेटेड वुडन। इसके अंदर एक बहुत ही मैसिव वॉक इन कैबिन बना रखा है।
अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे तो एक आपका वॉकेबल स्पेस है, तो इसके अंदर आप अगर आप कभी भी अपनी कुछ ज्वेलरी कुछ इंपॉर्टेंट घर की आइटम रखना चाहते हैं तो इसके अंदर लॉकर में आप लॉक कर सकते हैं, ये लॉक हो जाएगा और साथ ही साथ इसको आप बाहर की तरफ से भी बंद करके लॉक कर सकते हैं, तो आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है वो हाथ के हाथ सेफ रहे। फाइनली अगर हम अंदर की तरफ आते हैं तो इधर हमने लगा रखा है जकूजी, ये 12 होल जकूजी है, इतना मैसिव जकूजी, इसके अंदर आराम से आप कभी भी शाम के टाइम में अपने आप को रिजेनरेट कर सकते हैं, आराम से जूस पीते पीते अपने आप एक वॉटर ले सकते हैं। हर जरूरत के लिए एक अलग स्पेसिफिकेट डेडिकेटेड एरिया है, आपके पूजा के लिए एक डेडिकेटेड कैविटी दी गई है, स्टोरेज अच्छी चीज है, बताओ क्या लगी मुझे, किचन काफी अच्छी लगी आपकी, किचन किचन का जो यूज है बिल्कुल परफेक्ट, आपने अलग अलग किया हुआ, करेक्ट है ना, ये पार्ट काफी अच्छा आपने करे, क्योंकि ज्यादातर बिल्डिंग फ्लोर में आप देखोगे ना इस टाइप का डिजाइन नहीं मिलता, नहीं मिलता, करेक्ट, ठीक है, और आपने वो मतलब कलर्स को भी काफी अच्छी तरीके से मैच किया गया है, जी आप यहाँ आराम से जितना टाइम स्पेंड करना चाहो उतना कर सकते हैं, करेक्ट राइट, करेक्ट। लेडीज सबसे पहले लेडीज का जो मेन पॉइंट होता है वो किचन ही होता है, करेक्ट, किचन के मुकाबले ही चीजें आगे है ना वो सर्वाइव कर पाते हैं, फैमिली आपको छोटी मोटी पार्टी वगैरह करनी है क्योंकि पीछे स्पेस काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है किचन के लिए, करेक्ट। हर चीज को समझा, इस प्रॉपर्टी की नीचे से लेके स्ट्रीट पार्किंग से लेके फ्लोर तक की जर्नी को समझा, आपने देखा यहाँ पे स्टेयर्स लिफ्ट प्रॉपर कनेक्टेड है, 100% पावर बैकअप, ज्यादातर फ्लोरों में नहीं मिलता, यहाँ 100% पावर बैकअप है, प्रॉपर गार्ड है इस चार फ्लोर के लिए, और ये जो फ्लोर है ये सबसे नीचे है और सबसे नीचे ही सबसे ज्यादा है वो डिमांड में रहता है बिल्डर फ्लोर। दूसरी आपकी कनेक्टिविटी, स्कूल हॉस्पिटल बिल्कुल आपके आसपास में है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ क्यों ग्रो करेगी, पहला पॉइंट, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी हर कोई चाहता है, और आसपास अगर आप गोल्ड कोस्ट रोड पे देखेंगे सारी प्रीमियम कंपनीज हैं, आपके साइबर सिटी बगल में है, हर चीज से यहाँ पे वेल कनेक्टेड है, आप एयरपोर्ट नजदीक है, दिल्ली आपकी वो प्रॉपर नजदीक है, तो आप यहाँ हर प्रकार की कनेक्टिविटी से बिल्कुल अवेयर है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, आप जानते हैं कि बिल्डर फ्लोर गुड़गांव के अंदर जो ओपन प्लॉट थे वो मोस्टली कवर हो चुके हैं 95%, अब नए बिल्डर फ्लोर आना वो तय नहीं है, वो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि और चीजें कुछ नहीं आएंगी, कुछ रियल स्टेट है वो कम होगा तब वो ऐसे ट्राई करेंगे, क्योंकि ऐसी लोकेशन के अंदर इस टाइप की प्रॉपर्टी मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आप देखोगे मोस्टली लोग वो सेट हो चुके हैं या किराए के ऊपर या सेल्फ यूज के लिए लोग यहाँ पर लेते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है, हर चीज कनेक्टेड है, हर चीज यहाँ इस प्रॉपर्टी के अंदर मतलब बनाई गई है, आपके हिसाब से क्रिएट की गई है, तो आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 502 गज के प्लॉट के ऊपर 4 BHK प्लस लिविंग डाइनिंग और आप ये देख ही रहे हैं मेजर किचन, ये साथ में आपको मिलते हैं दोस्तों, अगर पसंद आती है चीजें तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, थैंक यू।